नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम महुआ का ठोकवा बनाएंगे। ये ताज़ा महुआ है। हम सिंगरौली गए थे बच्चे के साथ अपने, वहाँ से घूमने गए थे जंगलों में, तो वहाँ पे महुआ था। महुआ बिल्कुल ताज़ा महुआ, उसकी फ़ोटो अभी हम लगाएंगे। तो अब घर आते आते 7-8 घंटे में कलर थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है, तो इसको 4-5 पानी से अच्छी तरह से ऐसे धुलनी, बहुत मसल के नहीं धुलना, नहीं उसका तत्व तो इसका निकल जाएगा। धुलने के पहले, दो पानी से धुलने के पहले इसको इस तरह से फोड़ देंगे। इसके अंदर जो ये जीरा है ना, इसको भी साफ़ कर देना है। इस तरह से फोड़ करके फिर इसको छलनी में रख करके पानी से धुल दिए हैं, और धुलने के बाद इसको पीस दिए हैं। इस तरह से 4 पानी से धुले हैं। इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। इसको हमें छानना नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रस निकाल के उसका बना लेते हैं और इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये फाइबर होता है इसलिए इसको निकालेंगे नहीं। इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। ये महुआ इसको दिखाने के लिए हम रखे थे कि इस तरह का हमारा ताज़ा महुआ है बिल्कुल। तो इसको हटा देते हैं। ये हमारा नारियल पाउडर है, आटा है गेहूं का, गेहूं के आटे से ही बनेगा। इलायची पाउडर है, सौंफ है। अब हम इसको गूँथ लेंगे। थोड़ा सा हम जो है खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मोयन नहीं देंगे क्योंकि इसी में बहुत मुलायम बनाना है। दोस्तों, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। इसी में जितना आटा मेरा आएगा उतना ही हम बनाएंगे, फिर बाकी हम बाद में बनाएंगे। इसका पेस्ट आप देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत बारीक कर लेना है। अब इसमें हम नारियल का पाउडर डाल देंगे। कोई मेवा इसमें नहीं डालना क्योंकि मेवे का बहुत स्वाद इसमें नहीं आता, महुए का अपना स्वाद होगा। इलायची पाउडर, इलायची को मैं इसलिए डाल रहा हूँ जिससे जिसको महुआ नहीं पसंद आता थोड़ी सी इसकी महक चेंज हो जाए। और सौंफ डाल रहे हैं, थोड़ा सा, एक चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे, इतना बस, एक मटर के दाने के बराबर। ये थोड़ा सा खंगाल के मिक्सी पानी डाल देना, बहुत थोड़ा सा। इसमें हमें ऊपर से चीनी नहीं डालना है, इसी में हमें बनाना है। सभी चीज़ों को मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पहले हम आटा डालेंगे, बाकी जो अभी हमने दिखाया है आपको उसको हम बाद में पीस के बनाएंगे। दोस्तों, आटा हमारा बन गया है। हमें इसे रखना नहीं है ढक करके, क्योंकि इसमें हमने सोडा डाला है। यदि हम रख देंगे तो सोडे का असर ख़त्म हो जाएगा। इसको हम तुरंत बनाएंगे। और थोड़ा सा इसमें हम, आप देख सकते हैं, एक कटोरी आटा हम लिए थे, थोड़ा सा बचा है। इसे बहुत सूखा नहीं करना है, इस तरह से ऐसे मुलायम जैसे रोटी का आटा बनता है वैसे ही बनाना है। रिफाइंड हम डाल दिए, मूंगफली का तेल में बना रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। इस तरह से छोटी छोटी लोई हमें लेना है, हल्का सा आटा लगा देना है और बहुत ही हल्के हाथ से इसे हमें बेलना है। तेल मीडियम गर्म रहना चाहिए, गैस धीमी कर देंगे। दोस्तों, हमारा ठोकवा आप देख सकते हैं फूल गया है बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सॉफ्ट बना है। एक हम और डाल देते हैं। इसी तरह से हम जितना आटा गूँथे उतना बना लेंगे। चीनी और गुड़ किसी चीज़ का इस्तेमाल आपको अलग से नहीं करना, नहीं तो महुआ का फ्लेवर भी ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ओरिजिनल महुए में ही बनाना है। दोस्तों, हमारा महुए का ठोकवा बन करके तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, इस तरह से बहुत मुलायम बना है, ऐसे ही आपको बनाना है। और भरे मिर्ची के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। भरे मिर्ची का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कच्चे महुए का भी ठोकवा बना सकते हैं, और सूखे महुआ का जब बनाएंगे तो उसको भी हम बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।